सत श्री अकाल जी तुहानू सारयां नू मेरे वल्लों। ते अज जी मैं अपना ब्लॉग शुरू करदी पई आं सवेर तो। ते इधर जी सवेर दा ही टाइम है 9:30 बजे दा। ते इधर मैं जी सब्जी वास्ते ना मसाला कट के रखिया, टमाटर प्याज अदरक लसन हरी मिर्च, ते इहनू आपां पीस लांगे हुण। ते इधर मैं घ्यो कढ़दी पई सीगी, काफ़ी दिन की मलाई वगैरह कट्ठी हुई पी सी, बीमार होने करके फिर मलाई कट्ठी हो गई सी काफ़ी, नहीं तो बिच मक्खन मुखण बना लईदा सीगा, तो इस करके फिर हुण मैं मलाई काफ़ी कट्ठी हो गई सी। मैं चलो घ्यो कढ़ लैनी हाँ। तो घ्यो कढ़न तो बाद फिर जी ये मैं थोड़ा जिहा आटा भुन के तो थोड़ी जी पिन्नियाँ बना लाँगी, जड़ा घ्यो जा सीगा वो वेस्ट नहीं जाऊगा, जड़ा बिच रह जाता मोटा मोटा जहा। तो इनू आटे नू मैं चंगी तरह भुन लिया, तो बस हूँ इन पिन्नियाँ बनाती ने, तो फिर इनू आप एक डब्बे दे विच भर के रख देंगे, चा चू नाल खा लिया करांगे। तो इधर ना जड़ी फ्राई पैन दे विच जड़े जारा थले थले आटा जार सड़ गया सीगा, तो उन्हूं मैं ना हाथ नाल खान लगी हुई सीगी, तो काफ़ी टेस्टी लगता पा सीगा कड़ा वांगू। तो इधर जी हुण मैं मसाला वगैरह पीस लिया सीगा, तो राजमा अपने उबालन लई रख दित्ते ने आपां। तो इधर जी सरों का तेल आपां गर्म कर लिया जी चंगी तरह, थोड़ी जी जवैन पाती सीगी तेल दे विच, ते नाल आपां जिहड़ा मसाला पीस के रखे उहनू भी आपां तेल दे विच पा के चंगी तरह भुन लांगे। थोड़ा जिहा लूण पा दांगी पहलां, मसाला छेती भुन्निया जाएगा फिर, ते बाकी हले सारे अपने काम करन वाले ने। राजमा नूं मैं पहलां सवेरे भिओता सीगा ना, 1-1.5 घंटा भिओ के रख दित्ते सी, ते हुण उबालण लई रख दित्ते। इधर मसाला भुनदा पिया, ते इधर मैं नाल लग पई आं हुण भांडे मांजन। मसाले नूं मैं घट सेका करके ते ढक के रख दित्ता, हौली हौली मठे मठे सेक ते आपां भुन लांगे मसाले नूं, नाल नाल इधर भांडे साफ कर लाँगी। ते बाकी सारे अपने जिहड़े सवेर दे रूटीन दे काम ने सारे अपने हले करन वाले पए ने। जी इधर अपने भांडे वगैरह भी मैं सारे मांज लेने, किचन की भी सारी सफाई करती है, तो राजमा भी अपने उबल चुके ने, तो मसाला अपना आपां चंगी तरह भुन लिया सीगा, तो हुण आपां राजमा दे विच पा दिंदे आ मसाले नूं। तो आ वेखो किचन की अपनी सारी सफाई हो गई है, सारे भांडे वगैरह मांज लेने मैं, तो मसाला वगैरह राजमा दे विच पा के मैं सेका घटा के ते अपा कुकर दा ढक्कन बंद करके रख दिते ने, बिल्कुल सिम ते करता गैस, हौली हौली अपा 1.5 घंटे रख देंगे राजमा नू, हौली हौली बनते रहेंगे थोड़े थोड़े सेकते। ते हुण जी इधर मैं झाड़ू वगैरह ला लिया सीगा, बाहरों भी लोबी चो सारा धो दिता है, ते हुण अपा पोचा ला लांगे। तो इधर अपनी सब्जी बनती पी है, बाकी किचन का सारा काम हो गया, भांडे वगैरह सारे, किचन की सफाई वगैरह, बस पोचा लाना रह गया मेरा, पोचा ला के तो फिर मैं नहा लाँगी, तो बस फिर अपने सारे तकरीबन काम निबड़ चले ने हुण।
लो जी पोचा वगैरह ला लिया सीगा, सारा काम मेरा निबड़ चुका है। ते इधर जी आपां चौल मंगा के रखे सी इत्थों दुकान तों, वैसे तां असीं इकट्ठे लै के आने पर काफ़ी दिन तो बीमार होने करके फिर आपां खाधे ही नहीं सी चौल, क्योंकि जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा लग्या होया सी, रेशा वगैरह बहुत ज़्यादा होया पिया सीगा, ते दिल नहीं करदा सीगा। ते अज काफ़ी टाइम बाद 20-22 दिनों बाद जी चौल बनन लगे ने अपने घर राजमा दे नाल, ते फिर मैं इत्थों ही मंगा ले सी दुकान तों। ते मैं चेक करदी पई सीगी कि किदां दे ने, विच कुछ नाले देखदी पई सी, साफ करदी पई सी विच कोई रोड़ा वगैरह तां नहीं है, ते साफ सीगे। ते इहनूं मैं हुण भिओं के रख दांगी चौलां नूं। ते अज जी काफ़ी दिनों बाद आपां राजमा चौल खावांगे। ते मैं नाप के गिलास के नाल पावगी चौल, फिर उस हिसाब नाल पानी पावगे गिलास के हिसाब नाल ही, जिन्ने के चौल होणगे फिर वधिया बनते हैं। जे पानी नाप के पाओ ना फिर वधिया दानेदार बनते हैं खिले खिले जे। ते हुण जी मैं धो के रख लाँगी, ते हुण जी मैं नहा के भी आ गई सी, ते हुण मैं चंगी तरह ना चौलों नूं धो लाँगी, ताज़ा पानी चलता पे अपना, नाले मैं पीन दा पानी भी भर के हटी हूँ हुणे। ते नहाण तों बाद जी हुण पहलां आपां ने एक बारी चाह पीवांगे, सवेर दा आपां काम लगे हुए हाँ, सारे काम निबड़ गए ने, भांडे सफाई सब्जी वगैरह सब्जी भी बन गई है, ते नाल ही इधर चाह रखी हुई है, ते नाल मैं आटा गुन लाँगी, आटा गुन के फ्रिज च रख दाँगी। ते काम कुम करन तो बाद थोड़ा फ्री होके चाह पीन दा मज़ा भी बहुत आंदा है। सवेरे तो फिर आपां काली काली काम कार दे विच पी दी है चाह, हुण थोड़ा फ्री होके पीवांगी, बस आटा गुन्नन तो बाद फिर चाह पा के लै जाँगी, आराम नाल बह के पीवांगी चाह मैं। ते आटा भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही गुन लिया, कल हैगा संडे, ते कल फिर आलू वाले परौंठे बनावांगे, इस करके मैं आटा ना अज ही गुन लिया ज़्यादा। आलू वाले परौंठे भी अपने घर हुण 15 दिनों बाद कल बनावांगे, बीमार होने करके कुछ भी नहीं चंगा लगता सीगा, ना कुछ बनता सी चज नाल। ते इधर जी आ हैगा जी रात दा थोड़ा जिहा आटा बचे होया, इहनू मैं उपर रख दाँगी, पहलां ए वाले आटे नूं पका लाँगे आपां, 2-3 फुलकियां दा हैगा आटा। ते हुण जी आ देखो सब्जी भी अपनी बिल्कुल बन गई है, कलर किन्ना वधिया सब्जी दा आया लाल लाल। ते इधर चौल भी अपने बन गए ने, चौल भी देखो अपने बहुत वधिया दाणेदार बने ने खिले खिले जे। ते इहनू आपां ना एक वारी हिला दाँगे, गरम गरम हिला दो ना, ते फिर वधिया हो जाते ने, कला कला दाणा हो जाता फिर। ते बस आपां गैस बंद कर देंगे। ते हुण जी मैं थोड़ा जिहा ना कोठे ते आई सीगी, ते कोठे दे देखो जी बदल किन्ने सोहणे लगदे पए ने, मौसम अज बिल्कुल साफ होया पिया, नहीं तां 3-4 दिन तो मीह वगैरह बदल बदल जे होए रहिंदे सीगे, हुण बिल्कुल बदल साफ होया पिया, बहुत वधिया लग रहा है। ते इधर बीच बीच ना चिड़ियाँ भी घूमती पी सी, इल भी घूमती है इधर, इल परे चली गई है। ते हुण जी आपां हरा धनिया तोड़ के ते सब्जी दे विच पाता है कट के, ते हुण आपां सब्जी गर्म करते हैं। ते हुण आपां करते हैं लंच, लंच का टाइम है 1:30 बज गया। ते राजमा चौल देख के तो वैसे भी सबर नहीं हो रहा, एक तो 20-22 दिनों बाद राजमा चौल खाने लगे हैं आपां। ते युवराज के पापा लई मैं थोड़े जे फुलके बनावांगी, क्योंकि वो चौल नहीं खाणगे, उन्हां नूं काफ़ी ज़्यादा खांसी है, मैनू तो थोड़ी घट है, उन्हां नूं बहुत ज़्यादा सारी सारी रात खंघदे रहिंदे ने, ते दवाई नाल भी फर्क नहीं पैंदा हैगा उन्हां नूं काफ़ी ज़्यादा रेशे रूशे की प्रॉब्लम है, ते इस करके वो चौल नहीं खाणगे, उन्हां वास्ते फुलके बनावांगी। ते इधर सलाद भी कट के रख्या सी मैं धो के,
ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਲਾਦ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਜਮਾਂਹ ਚੌਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਾਡਾ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੂਲੀ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਮਾਂਹ ਚੌਲ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨਾ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਣ। ਰਾਜਮਾਂਹ ਚੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਟੇਸਟੀ ਟੇਸਟੀ ਰਾਜਮਾਂਹ ਚੌਲ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਫਟਾਫਟ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਯੁਵਰਾਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਮਾਂਹ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੇਰਾ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬਲੌਗ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।